सतत दस दी। मेरे भाई आपने फिर भीम तो देख ली होगा, आज की शायरी कितनी कमाल की होने वाली है। मेरे भाई इस शायरी को एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, पहला पिक्सल लैब, दूसरा अलाइट मोशन। पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, फुल वॉच करना। मेरे भाई चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि नए वीडियो आपको तक पहुंच सके। मेरे भाई इस शायरी पे जितना मटेरियल लगेगा सब मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पड़ी हुई है, लिंक पे क्लिक कर ज्वाइन होना। मेरे भाई चलता हूँ, हम इसको एडिट करते हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मेरी अगली वीडियो देख लेना मेरे भाई, मैंने प्रॉपर बताया। चल तो भाई हम एडिट करते हैं। मेरे भाई थोड़ा वीडियो स्किप ना मत करना, ठीक है। यहाँ से पिक्सल लैब आपका कुछ इंटरफेस ऐसा दिखेगा, इसको आप ओपन करते हैं मेरे भाई। यहाँ से ओपन होने के बाद देख सकते हैं, यहाँ से आपको न्यू टेस्ट वाले ऑप्शन को डिलीट करना मेरे भाई, डिलीट मार के क्लिक करना मेरे भाई। वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, ठीक है। मेरे भाई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, जरूर जरूर भाई। ओके मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगे तो ये आपको इस साइज पे आपको क्लिक करना, इस पर आपको 720 कर लेना मेरे भाई इस साइज पर, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से देखना इस वाले पे 720 करना, ओके। इतना होने के बाद मेरे भाई आप देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ से आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना मेरे भाई। वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं फिर बोलोगे मुझे समझ नहीं आ। ओके मेरे भाई यहाँ से आपको लिखना है क्या, शायरी लिखना है, ठीक है मेरे भाई। जो भी आपने शायरी लिखना है, मैंने तो पहले से कॉपी कर रखी, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके मेरा ये देख सकते हो कुछ ऐसी हो चुकी है। यहाँ से आपको इसका साइज थोड़ा कम करना है, इधर आना, साइज वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। इसका साइज इतना ही कुछ रखते हैं, 32-34, ठीक है मेरे भाई, 34 साइज रखते हैं इसका। ओके इतना होने के बाद मेरे भाई यहाँ से आपको बीच में से एडजस्ट कर देना और यहाँ से आगे आना हो, यहाँ से कलर वाले आइकन पे क्लिक करना मेरे भाई, इसको कलर अच्छे से एडजस्ट कर लेना पकड़ के, ठीक है मेरे भाई। इसको जैसे कि मैंने ये कर लिया, ओके देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर लेना मेरे भाई, देख सकते हो कितने अच्छे से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छे से कर लेना मेरे भाई। जैसे ये हो गया, अब आगे आना मेरे भाई, इसका फाउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये रहा आपका फाउंड वाला ऑप्शन, देख सकते हो ये रहा फाउंड, ठीक है मेरे भाई। फाउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ से आपको देख सकते हो माई फाउंड पे चलना, यहाँ से आपको कोई भी फाउंड ले लेना मेरे भाई, देख सकते हो जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा इसकी लिंक, आप लगा लेना। ओके मेरे भाई देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा लगा। अब यहाँ से आगे आना, थोड़ा इसका स्टॉक इनेबल कर देना, ये स्टेबल है ये शैडो, दोनों का आपको इनेबल कर देना मेरे भाई। ओके जैसे कि देख सकते हो मैंने ये इनेबल कर दिया मेरे भाई, देख सकते हो कितनी अच्छी लगने। अब मेरे भाई थोड़ा यहाँ से आपको कहीं भी स्क्रीन पर आपको टच कर देना और यहाँ से आपको इधर टेस्ट वाले पे आना और यहाँ से आपको फिर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना मेरे भाई, देख सकते हो ये एडिट करा। और यहाँ से आपने जो यार इमोजी वगैरह लेनी है तो ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ आपको अपने हिसाब से तुम ले लेना मेरे भाई। और यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देना और स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ से इसको थोड़ा मेरे भाई यहाँ से फाउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये रहा फाउंड का ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ से आप माई फाउंड पे चलना, ये रहा माई फाउंड पे, जो आप डाउनलोड फाउंड करते हो आपके माई फाउंड में पहुँच जाते मेरे भाई, जैसे कि ये रहा। और यहाँ से बहुत सारे बंदों के पास ये तो फाउंड होगा ही, ISO, ठीक है मेरे भाई, ये फाउंड तो होगा ये कुछ रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करके ओके कर दिया और यहाँ से इसका थोड़ा आगे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ से देख सकते हो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक 3D शैडो और यहाँ से लास्ट पे जो रिप्रेजेंट जो कुछ भी है वो मेरे भाई उसको भी इनेबल कर देना, 3D शैडो के इनेबल कर देते हैं, आपको देख रहा होगा ये लास्ट में सबसे लास्ट पे इसको भी इनेबल कर देना मेरे भाई। ओके देख सकते हो कितना यार अमेजिंग लगने लगा। अब यहाँ पे कहीं भी स्क्रीन पर टच कर देते हो, यहाँ से आपको टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये रहा टेस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना मेरे भाई और यहाँ से अपने अपनी स्टाइल लिख लेनी मेरे भाई, देख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लिख लेना मेरे भाई, देख सकते हो जैसे ये रहा। और यहाँ से इसका साइज वाला ऑप्शन, थोड़ा साइज वाला ऑप्शन ये रहा, ठीक है मेरे भाई, देख सकते हो ये रहा साइज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हो और यहाँ से इसका साइज कुछ इतना कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। इतना होने के बाद अब आगे आना, इस पर फाउंड वाले ऑप्शन पे चलना और यहाँ से माई फाउंड पे जो भी आपको फाउंड अच्छा लगे, मैं तो बहुत बार आपको फाउंड दो फाउंड दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, ठीक है, आपके फाउंड नहीं। और यहाँ से लास्ट में इन दोनों ऑप्शन को इनेबल करना है, जैसे कि ये रहा, ठीक है, जैसे आपने उस पर किया था, ठीक है। 3D इतना होने के बाद इसका भी स्टॉक इनेबल कर देते हैं मेरे भाई, बस इतना होने के बाद देख सकते कुछ अच्छी लगने लगी मेरे भाई। यहाँ से आपको अच्छे से बीच पे एडजस्ट कर लेनी, देख सकते जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके मेरे भाई वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना, वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ मेरे भाई लाइक से सब्सक्राइब कर। अब यहाँ से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना, नीचे साइड ये बॉक्स मिल रहा होगा, देख सकते इस बॉक्स पे क्लिक करना और यहाँ से आपको कलर वाले आइकन पे क्लिक करना, ये रहा। ओके मेरे भाई कलर वाले आइकन पे क्लिक करना और यहाँ से अपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना, अपने अकॉर्डिंग अच्छा कलर एडजस्ट कर लेना जैसे कि मैं कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपने देखा होगा फिर भी यहाँ से 00 इसको इधर को लाते और इसको ऊपर साइड को कर देते मेरे भाई। यहाँ से आपको कलर वाले आइकन पे क्लिक करना, ये लिखा हुआ मेरा होगा, आपको कलर देख सकते हो ये रहा कलर। ओके इस पे कलर पे क्लिक करते हो और यहाँ से आपको जो अच्छा कलर लगता है जैसे कि ये रहा, ठीक है,
इसको इतना होने के बाद देख सकते हो। अब यहाँ से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इस वाले पे, और यहाँ से फिर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं मेरे भाई। देख सकते हो अभी मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। ओके, देख सकते हो कितना अच्छा लगने लगा। यहाँ से आपको इसको थोड़ा एडजस्ट कर देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देख सकते हो, ओके, देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड में कलर एडजस्ट हो गया। यहाँ से आपको सेव करने के लिए ऊपर साइड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मेरे भाई, और यहाँ से आपको सेव इमेज पर क्लिक कर देना मेरे भाई। यहाँ से हमारी सेव होने पर अभी थोड़ा बाकी, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ से आपको इसको अल्ट्रा कर लेना मेरे भाई। थोड़ा वीडियो स्किप भी मत करना, ठीक है। यहाँ से अल्ट्रा पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना, ये हमारी सेव हो जाएगी। इससे अपनी अल्ट्रा हो जाती तो आपकी मतलब इमेज की यार वो नहीं गिरती है क्वालिटी, ठीक है। यहाँ से आप सेव हो जाएगी मेरे भाई। आपको यहाँ से लाइट मोशन ओपन करना, प्ले स्टोर पर चलना और लाइट मोशन सर्च करना। देख सकते हो यार कुछ ये है लाइट मोशन का इंटरफेस दिखता है, देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ ओपन होना मेरा भाई। थोड़ा यार मेरी तबीयत डाउन है इसलिए यार मेरा भाई ओपन तबीयत डाउन है थोड़ा यार, समझा करो यार। देख सकते हैं यार यहाँ से आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है इस साइड, ठीक है मेरा भाई। आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक नहीं करना, प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और यहाँ से एक्सएमएल फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है मेरा भाई। इसको यहाँ से आपको ये ऐसी दिखेगी, ठीक है मेरा भाई। आप शेयर करोगे इस पर तो देख सकते हो कुछ ऐसी दिखेगी मेरे भाई। यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सएमएल फाइल क्लियर पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना और मीडिया पे आपको आना है मेरे भाई। मेरे भाई यार थोड़ा ध्यान से देखना है, एक भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। यहाँ से आपको मीडिया पे आना, ठीक है ओके मेरे भाई। तुम्हारे लिए देख सकते हो यार मैं कितना यार करता हूँ, ठीक है। कुछ समझा करो यार मेरे भाई। यहाँ से देख सकते हो हमारी हो चुकी, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ा यार ध्यान से देखना, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको लास्ट पे चलना और यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक करना। ये दोनों लेयर हो जाएंगे हमारी, सॉरी दोनों लेयर हो जाएंगे हमारी बराबर, ठीक है मेरे भाई। देख सकते यार हो गए बराबर, ओके। देख सकते कितनी अच्छी वाली एडजस्ट हो गई, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो बोलोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। अब थोड़ा और यहाँ से आपको साउंड वीडियो लेना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक करना मीडिया, और यहाँ से आपको साउंड वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ साउंड वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उस सब्जी ऊपर वाली के और यहाँ से आपका स्टेक आई डी ऊपर देना, ट्री डॉट पर मिलेगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ से कुछ इतना ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ से स्टेक आई डी का ऑप्शन भी आ जाएगा, इस पर क्लिक करना और आई डी हमारा निकल के ये ऊपर साइड हो जाएगा मेरे भाई। आपको इस क्लियर को डिलीट करना है, साउंड मतलब वीडियो वाली ये डिलीट हो गई, साउंड हमारा निकल के आ गया मेरे भाई। थोड़ा और ध्यान से देखना फिर बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हमारा ये इतना हो गया। अब मेरे भाई यहाँ से आपको एक्सएल फाइल क्लियर पर क्लिक करना है, ये रहा नीचे साइड, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्सएल फाइल क्लियर पर क्लिक करना और यहाँ से आपको इफेक्ट पे क्लिक करना मेरे भाई। थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको हर तरीके कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से आपको थ्री डॉट मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना मेरे भाई और यहाँ से आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना मेरे भाई। कॉपी इफेक्ट होने के बाद देख सकते हैं यार कुछ अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आपको इस लेयर पे क्लिक करना, उसी वाली पीएनजी वाली पे हमारे, और यहाँ से आपको इफेक्ट पे चलना मेरे भाई, पेस्ट कर देना यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा ध्यान से देखो, अभी आपके लगे नहीं इफेक्ट, ठीक है। पेस्ट कर दिए तो आपके लगे नहीं, ठीक है। ध्यान थोड़ा ध्यान से देखो, आपको गॉसियन ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। बीच पर गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना और यहाँ से देख सकते हो इस पर जीरो है ये, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, ना इधर क्लिक करना, कहीं पर क्लिक नहीं करना। यहाँ से आप देख सकते हो इस पर जीरो है, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा ध्यान से देखना, आपको इसको 300 कर देना बस, ओनली 300 मेरे भाई। 300 होने के बाद देख सकते हो आप, ओनली 300 कर देना मेरे भाई। 300 देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी लगी, ठीक है भाई। 300 करके देख सकते हो यार, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से आपको देख सकते हैं ये लेयर थोड़ी वाइट वाइट दिख रही है इधर और इधर ही मटकती, ठीक है। इसको थोड़ा यार एडजस्ट कर दे, सी लेयर पे क्लिक करते, इसको थोड़ा मूव एंड ट्रांसपेट पे क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा करके एडजस्ट कर देते। अब देख सकते हो हमारी नहीं दिख रही, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से मूव एंड ट्रांसपेट पे क्लिक। अब मेरे भाई इसको सेव करने के लिए ऊपर वाले क्लिक करना, इस पर क्लिक करना और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट का आईडी मिल जाएगा मेरे भाई। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एक्सपोर्ट होने के बाद ये देख सकते हो सेव होने लगी मेरे भाई, देख सकते हो।